केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कृषि विकास प्रतिष्ठान के तत्वाधान के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहले से ही एक थ्योरी का समर्थन करता हूं कि सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का सहभाग, सरकार की छाया भी जिस प्रोजेक्ट पर पड़ जाए वो प्रोजेक्ट नष्ट हो जाता है। सरकार यानी विषकन्या की तरह, सरकार से जो दूर रहेगा वही प्रगति कर सकता है। नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम देश की कृषि आय को 22% तक बढ़ाएं। जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन किसानों की मजदूरी 1500 रुपए हो जाएगी, इसलिए सरकार में समस्याएं अलग होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समस्याएं इस साल MSP देने में, यानी कि बाजार मूल्य और MSP के बीच इसे संतुलित करने के लिए बाजार मूल्य कम है और MSP अधिक है। सरकार को बैलेंस करने के लिए 1.5 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ता है और जो अनाज लिया है उसे रखने के लिए गोदाम उपयुक्त नहीं है। भगवान जाने कितना गड़बड़ हो गया, मंत्री होने के कारण मुझे भी बोलने की कुछ मर्यादा है। माझे एक मत आज ही नहीं, मैं जेव विरोधी पक्ष तो आता ही है बाबती मैं नेहमी म्हणतो की गॉड आणि गव्हर्नमेंट या दोघांवर आपला सगळ्यांचा विश्वास असतो, त्यामुळे मी पहिल्यांदी या थेअरीचा समर्थक आहे की सरकारचा हस्तक्षेप, सरकारचा सहभाग आणि सरकारची छाया देखील ज्या प्रकल्पावर पडते तो प्रकल्प नष्ट होतो। त्याच्यामुळे सरकार म्हणजे विषकन्येसारखं असतं, त्यामुळे सरकारपासून जो दूर राहील तोच प्रगती करू शकतो। त्यामुळे सरकारमधल्या अडचणी ज्या आहेत त्या वेगळ्या, ज्या गोष्टी विजय जावंद्यांनी मांडल्या त्या अनेक गोष्टी कटू सत्य आहेत। यावर्षी MSP जी दिली त्यामध्ये अडचण असं आहे की मार्केट प्राइस आणि MSP याच्यामध्ये मार्केट प्राइस कमी आणि MSP जास्त आहे आणि त्याचा बॅलन्स करण्याकरता सरकारला 1.5 लाख रुपये द्यावे लागले, 1.5 लाख कोटी, 1.5 लाख नाही 1.5 लाख कोटी, आणि जे घेतलेलं अन्न ते ठेवायला स्टोरेज करायला गोडाऊन्स बरोबर नाही, त्यातून किती सडलं काय झालं ते परमेश्वर बोलतो। तर मी काही त्यावर बोलत नाही, मंत्री असल्यामुळे मलाही काही बोलण्याच्या मर्यादा आहेत। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।